अच्छा ये तो आगे की बात है, आइए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के ट्रेंड्स कैसे लगातार बदल रहे हैं। शुरुआत आइए सहारनपुर से करेंगे। इमरान मसूद लगातार आगे चल रहे हैं, किराना में इकरा हसन लगातार आगे चल रही है। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो संजीव बालियान यहां से पीछे चल रहे हैं। बिजनौर में अब आपको आरएलडी की मौजूदगी नजर आ रही होगी। नगीना में चंद्रशेखर आगे चल रहे हैं। मुरादाबाद में रुचि वीरा आगे चल रही है। रामपुर में मौलाना नदवी आगे चल रहे हैं। संभल कि अगर आप बात करेंगे, और देखिए इस वक्त बड़ी खबर आपको बताया, रुझानों में समाजवादी पार्टी फिलहाल उत्तर प्रदेश में आगे निकल गई है। तो उत्तर प्रदेश की ऐसी तस्वीर होगी जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, शायद ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंस बार बार था, वो बार बार 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, वो आप इस टैली में भी कहीं ना कहीं देख सकते हैं। अमरोहा में बीजेपी, मेरठ में समाजवादी पार्टी, बागपत में समाजवादी पार्टी भी आपको नजर आ रही है। तो हम भी बनेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर, यूपी के रुझानों में बड़ा उलटफेर इस वक्त देखने को मिल रहा है, और बड़ा उलटफेर यह है कि समाजवादी पार्टी आगे निकल गई है यूपी के रुझानों में। अब इस पर टिप्पणी शांतनु जी आपकी। देखिए अगर ऐसे रुझान, ये इसके रुझान से थोड़ा मिलता जुलता भी रिजल्ट आता है, मेरे ख्याल से इस बार के चुनावों का सबसे बड़ा उलटफेर होगा। इसमें एक कारण जो हमने शुरू से बात कर रहे हैं कि भाजपा ने जो तीसरी बार के टिकट दिए हैं वो टिकट ठीक नहीं है, लेकिन अभी भी ये मानना बड़ा मुश्किल है कि इतने बड़े वोट शेयर पर खड़े होकर योगी मोदी की जोड़ी होने के बाद, इतना कानून की व्यवस्था होने के बाद यूपी में नतीजे आते हैं, तो इसको बहुत ही बारीकी से स्टडी करना पड़ेगा। प्राची मुझे लगता है कि अगर ये नतीजे में आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी ने जो आरक्षण का डर दिखाया था, कहीं ना कहीं वो ओबीसी के अंदर चला गया है। मुस्लिम वोट पर जाना ही था, उसमें कोई दोहरा ही नहीं थी। अगर ओबीसी का वोट भी टूट रहा है, अगर ऐसे परिणाम आते हैं तो तय कि एक जातिगत जो विभाजन करना चाहती थी कांग्रेस, उसमें काफी हद तक वो सक्सेसफुल रही है और वो वोट टूटा है भारतीय जनता पार्टी से, इस परिणाम में नजर आ रहा है। मुझे इसमें एक दृष्टि और दिखती है जी। अभी तक यूपी का 14 का और 19 का जो चुनाव था दोनों में सिंपल मेजॉरिटी के भी नीचे चली गई, चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए आगे एक खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश की लगातार आपको खबर बता रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर यह है कि रुझानों में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आगे निकल चुकी है, और देखिए उसका सीधा असर जो ओवरऑल टैली है उसमें आप देख सकते हैं। अभी तक बहुमत के आंकड़े से पार एनडीए जा रहा था, लेकिन अब ये 268 कहीं ना कहीं हो चुका है। और अब आप देखिए, आपको एक एक तस्वीर के बारे में हम बता रहे हैं। प्रयागराज में जरूर बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन बाराबंकी में कांग्रेस लीड कर रही है। अयोध्या सरप्राइजिंग है, क्योंकि यहां पर लल्लू सिंह को मैदान में उतारा था, कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर सवाल उठाए गए थे, उसके बावजूद वो मैदान में थे, लेकिन इस सीट पर समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। अंबेडकर नगर में भी समाजवादी पार्टी लीड कर रही है, बहराइच में भी, कैसरगंज में एक बार फिर ब्रजभूषण के जो बेटे हैं वो आगे हो गए हैं, उन्होंने लीड ले ली है। श्रावस्ती की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी, गोंडा में भी समाजवादी पार्टी, डुमरियागंज में समाजवादी, और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेठी से मिल रही है, स्मृति ईरानी पीछे हो गई हैं, केएल शर्मा यहां से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, और वो आगे निकल गए हैं अमेठी से, स्मृति ईरानी पीछे हो गई हैं। ये शुरुआती रुझान में सामने आ रहा है, अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए इस बार चुनाव इतना आसान नहीं होगा, ये पहले से माना जा रहा था। हालांकि स्मृति ईरानी ने शुरुआत से बढ़त बनाई, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे हो गई हैं, और केएल शर्मा जिसे गांधी परिवार का विश्वसनीय बताया गया था, वो कहीं बदलेगा, अब जो है निकल गए हैं। अब देखिए आपको, आप जैसे ही आप फेरबदल आप इस टैली में भी देखते हैं, हमारी से स्क्रीन पर देखते हैं, रायबरेली और अमेठी दोनों में कांग्रेस की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। रायबरेली में तो राहुल गांधी शुरुआत से आगे चल रहे हैं, लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी जो पहले आगे चल रही थी अब वो पीछे हो गई हैं, और केएल शर्मा अमेठी में आगे हो गए हैं। इसके साथ ही साथ सुल्तानपुर की अगर आप बात करेंगे तो यहां भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, यानी कि जो पूरी बेल्ट आप देख रहे हैं इसमें आपको सिर्फ दो जगह भगवा रंग नजर आ रहा है, लखनऊ जो कि सेफ सीट है, गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, वहां राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। हरदोई की अगर आप बात करेंगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, बाकी मिश्रिख, उन्नाव, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फरुखाबाद, हर जगह आपको समाजवादी पार्टी की साइकिल आगे निकलती हुई नजर आ रही होगी। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो इटावा में समाजवादी पार्टी जो प्रयागराज में दिख रही, वहां पे भी कांग्रेस आगे है, उज्ज्वल रमण सिंह आगे है, नीरज त्रिपाठी पीछे चल रहे हैं।
प्रयागराज में भी आप ये प्रयागराज में भी पीछे चल रहे हैं और अच्छी लीड ले ली है मेरे ख्याल से 10,000 के आसपास की लीड व्यक्तिगत जानकारी है। हाँ, तो देखिए ये प्रयागराज का आपको बता रहे हैं, यहाँ पर अभी तो खैर भगवा रंग नजर आ रहा है, बाराबंकी में कांग्रेस, अयोध्या में समाजवादी पार्टी, अम्बेडकर नगर में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। और जैसा ही आपने कहा हर्षवर्धन जी, आपने कहा और देखिये ये यहाँ हरा रंग में नजर आ 10,000 की लीड ले प्रयागराज में कांग्रेस आगे चल रही है, यानी कांग्रेस ने इस बार अपनी सीटों में इजाफा कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है, रुझानों में कम से कम ऐसा नजर आ रहा है। अमेठी रायबरेली को अगर आप छोड़ दें जो गांधी परिवार की सीट मानी जाती है, बाराबंकी में आपको कांग्रेस नजर आएगी, प्रयागराज में आपको कांग्रेस नजर आएगी, इसके साथ ही साथ सहारनपुर में आपको कांग्रेस नजर आएगी और सिर्फ इस लाइन में एक रंग कैसरगंज में आपको नजर आ रहा है। 7 सीटें आप देखिए कांग्रेस अभी तक उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है। आगे बस्ती में समाजवादी पार्टी, संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, इन सीटों को अगर छोड़ दीजिए तो फिर आपको हरा रंग नजर आएगा। आपको लालगंज में समाजवादी पार्टी, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव, घोसी में राजीव राय आगे निकल रहे हैं, सलेमपुर में समाजवादी पार्टी, बलिया, जौनपुर, मछली शहर, गाजीपुर, अफजाल अंसारी वाली सीट है, यहां पर भी समाजवादी पार्टी आगे है। चंदौली की बात करेंगे तो यहां भी समाजवादी पार्टी आगे है। वाराणसी में बीजेपी, भदोही में बीजेपी, मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी और रॉबर्ट्स गंज में समाजवादी पार्टी। और देखिए इस वक्त बड़ी खबर यह है कि 48 पर समाजवादी पार्टी ने लीड बना रखी है, यानी उत्तर प्रदेश के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें उलट फेर है। प्राची, आप इस पर समझना थोड़ा हम लोगों को चाहिए। यूपी और बिहार बिल्कुल अलग तरीके से वोट कर रहे हैं। बिहार पूरी तरीके से एनडीए के साथ है, वहां आप देखिए तो 30 के पार इस वक्त एनडीए दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 मिनट में कहानी पूरी तरह से पलट गई है। 50 के ऊपर इस वक्त इंडिया अलायंस चल रहा है, 48 पर समाजवादी पार्टी खुद है, 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। यूपी में बीजेपी इतना पिछड़ेगी इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक कारण तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्राइम मिनिस्टर 75 के बाद हट जाएंगे, उसका तो अगले दिन खंडन हो गया। जो दूसरी बात उन्होंने कही कि चुनाव के बाद योगी को बदल देगी बीजेपी, उसका खंडन हुआ ही नहीं आज तक भी। नहीं, उसका खंडन जेपी नड्डा जी ने किया और बड़े नड्डा जी कि वो हमारे तो बड़े नेता हैं। जेपी नड्डा जी बहुत बड़े नेता हैं, मैं भी मानता हूं, अगर ये परिणाम, लेकिन ये जेपी नड्डा जी के उसमें मुझे मुझे दायरे के निर्णय नहीं है। संजीव बाबू ऐसा है, मनोहर लाल खट्टर करनाल से पीछे हो गए। अच्छा, इस वक्त ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस आगे चल रही है। मुझे जो बीजेपी आगे हरियाणा में नतीजे दिख रहे हैं ये इतने प्रत्याशित हैं कि इसकी कल्पना किसी को हो सकती है, मैं नहीं मानता। अरे भाई सुधांशु, और दूसरा एक सेकंड, आप तो 2004 के झंडा बरदार रह चुके हैं प्रमोद महाजन के साथ। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आपने तो ऐसे नाटकीय निर्णय देखे हुए हैं पहले। नाटकीय निर्णय होना ये जो है, देखिए इसमें आपने कहा ना कि वो योगी जी वाला फैक्टर हो ही नहीं सकता सर, उसका